अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं सिराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिराज व्लॉग। तो आज इस वीडियो में जानते हैं सऊदी अरब की कुछ अहम और ख़ास खबरें। जैसे कि जो लोग सऊदी अरब में रह रहे हैं और कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है, उसके बाद वो छुट्टी पर जाते हैं और वो जब वापस लौटते हैं तो उनका क्वारंटीन नहीं होता है, और सऊदी अरब में रहते हुए दोनों वैक्सीन लगवा ली है उसके बाद वो एग्जिट चले जाते हैं और नए वीज़े पर आते हैं, तो उनका क्वारंटीन होगा या नहीं होगा। तो एक शख्स ने जवाजात से पूछा है तो जवाजात ने उसका जवाब दिया है, तो मैं उसको आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये मेरा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कर दें। तो चलते हैं सीधा खबर की तरफ। एक खबर आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूं कि जो यहाँ पे सऊदी अरब में तवक्कलना है उसमें एक नया फीचर ऐड किया गया है। जैसे कि तवक्कलना में पहले जब शुरू में आया था तो बहुत कम फीचर थे, उसके बाद में धीरे धीरे उसमें फ़ीचर बहुत सारे ऐड कर दिए गए हैं। जैसे कि तवक्कलना से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं उमरा करने के लिए, मस्जिद नबवी जाने के लिए, और बहुत सारे फ़ीचर ऐड कर दिए गए हैं। तो आज एक नया फीचर ऐड किया गया है, मैं आप लोगों के साथ उसका स्क्रीनशॉट शेयर करता हूं, आप लोग भी देखिए। सऊदी अरब में तवक्कलना ऐप मैनेजमेंट ने यूजर की सुविधा के लिए एक और फीचर जोड़ा है, हथियार लाइसेंस और कब्जे की रिपोर्ट डिजिटल सिस्टम के माध्यम से तवक्कलना ऐप में उपलब्ध होगी। न्यूज़पेपर 24 के मुताबिक तवक्कलना ऐप मैनेजमेंट का कहना है कि तवक्कलना और अवसर ऐप के जरिए हथियार लाइसेंस और अपने कब्जे का रिकॉर्ड जमा कराना संभव हो गया है। जैसे कि जो लोग हथियार रखते हैं, असलहा रखते हैं, वो लाइसेंस, अब उनका लाइसेंस जो होगा अवसर और तवक्कलना में भी दिखेगा। तो एक नया फीचर है जोड़ा गया है, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। वैसे इस फीचर का हम लोगों से कोई लेना देना नहीं होगा। अब जानते हैं कि जो लोग सऊदी अरब से कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा कर एग्जिट चले जाते हैं तो क्या वो सऊदी अरब आने पर उनका क्वारंटीन होगा या नहीं होगा। तो एक शख्स ने जो जवाजात से पूछा है उसका उत्तर जो दिया है, तो मैं आप लोगों के साथ उसका स्क्रीनशॉट शेयर करता हूं, आप लोग भी देखिए। सवाल का जवाब देते हुए जवाजात ने कहा है कि जिन लोगों को देश में रहते हुए कोरोना का टीका लगाया गया है और उनकी स्थिति तवक्कलना और हेल्थ ऐप पर प्रतिरक्षित है, वो सीधे देश में आ सकते हैं। हालांकि उन्हें देश में आने से ज़्यादा 72 घंटे पहले PCR टेस्ट रिपोर्ट देनी होगी। ये ध्यान दिया जाना चाहिए, जिन लोगों को देश छोड़ने से पहले कोरोना के खिलाफ टीका लगाया गया है और उनका स्वस्थ पासपोर्ट भी ट्रस्ट पर जारी किया गया है, उन्हें देश में आने पर क्वारंटाइन नहीं किया जाता है। जैसे कि जो लोग सऊदी अरब से छुट्टी चले जाते हैं, एग्जिट चले जाते हैं, लेकिन उनका जो हेल्थ पासपोर्ट है, जो है तवक्कलना होता है उसमें हेल्थ पासपोर्ट होता है, वो बरकरार है, तो उन लोगों का क्वारंटीन नहीं होगा। ये हेल्थ पासपोर्ट लगभग 8 महीने तक रहता है, जो न्यूज आई थी इससे पहले बताया गया था कि जो लोग सऊदी अरब में रह रहे हैं कोरोना वैक्सीन की जैसे दूसरी डोज लगवाए हुए, 8 महीने अगर बीत जाते हैं तो उनका हेल्थ पासपोर्ट ऑटोमेटिक तरीके से ख़त्म हो जाएगा तवक्कलना ऐप से। तो जो लोग सऊदी अरब से छुट्टी जाते हैं, एग्जिट जाते हैं, उनका हेल्थ पासपोर्ट 8 महीने तक रहता है, तो वो लोग सऊदी अरब में अगर आएँगे, कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज सऊदी अरब में ली है, तो उनका क्वारंटीन नहीं होगा।